भाई आज का जो चैलेंज होने वाला है वो होने वाला है जंप चैलेंज, यहाँ से लेके वहाँ सामने तक। और भाई पीछे खड़ी हमारे बहुत सारी स्पोर्ट्स कार, पूरी 12 स्पोर्ट्स कार हैं जो कि चार चार की लाइन में खड़ी हुई हैं। और भाई लास्ट में खड़ी हमारे पास एक बहुत ही तगड़ी कार जो कि मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो भाई ये है वो सुपर कार जो कि हमारी सबसे लास्ट में खड़ी हुई है, इसका टेस्टिंग करेंगे हम सबसे लास्ट में। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, और भाई अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो हाय, माय नेम इज़ मनु एंड ये है मेरा चैनल मनुज लेगेसी। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ हम लोग लेकर आते रहते हैं, तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई ये रैंप मैंने कैसे बनाया अगर जानना चाहते हो तो मैं कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपको जानना है कि ये रैंप मैंने कैसे बनाया, मैं आपको पूरी की पूरी वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो भाई ये है हमारा पहला जंप, और भाई पहले जंप में ही बहुत दूर जाकर हम लोग गिरने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ऊँचा रैंप मैंने बना दिया है। और भाई ये रहा पहला जंप, और भाई गाड़ी के अंदर बंदर खुल गई है, पीछे की तरफ लग गई है आग। तो भाई मुझे चलना चाहिए वापस रैंप पर वरना यहाँ पर ब्लास्ट हो सकती है गाड़ी। भाई हम लोग वहाँ से आए थे, देख रहे हो ये हिरन भागा, जैसे कि मैं रिश्ते का सलमान खान हूँ। भाई हिरन मुझसे थोड़ा सा डरता है यहाँ पर, बिकॉज मेरा जो फ्रैंकलिन कैरेक्टर है यहाँ पे, ये और सलमान खान बिल्कुल मिलते हैं आपस में, ये गाड़ी उड़ा देता किसी को भी। और भाई ये तो पहले ही टेक ऑफ कर गई, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा और आगे। और भाई मैंने इतने सारे स्पीड बूस्टर लगा रखे हैं ना कि स्पीड कम होने का तो मतलब ही नहीं बनता। लास्ट में पहुँचते पहुँचते जो जंप मिलता है ना वो होता है 300 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड पर। और भाई उसके बाद कूदने के बाद ना मुझे लगता है कि गाड़ी रुकने वाली है, बट देखने वाली बात यह कि सबसे दूर जाएगी कौन सी। भाई ये है हमारा सेकेंड जंप, और भाई ये गई है सबसे दूर ऐसा मुझे लगता है, बट मे बी आई एम नॉट श्योर क्योंकि ये सेकेंड ही गाड़ी है। भाई अभी तक की सबसे दूर गाड़ी यही है, ये इसलिए है क्योंकि ये पूरा स्किट मारते हुए आई है। भाई पहली गाड़ी है यहाँ पर, दूसरी गाड़ी आपको दिखाता हूँ, रुको, एक गाड़ी वहाँ है पिंक वाली और एक गाड़ी यहाँ पर है। वापस रैंप पर आ गए हम लोग, तीसरी गाड़ी लेकर जाएंगे बहुत स्पीड में। और भाई गाड़ी का जो कलर चेंज होने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरे को बहुत पसंद आया, बिकॉज एक अलग टाइप का लुक बना रहता है। आप कब तक वो ग्रे ब्लैक रेड वाली बोरिंग कार चलाते रहोगे। और भाई ये क्या हो गया भाई, स्पीड बूस्टर के साथ कुछ तो हुआ है इस गाड़ी के साथ कि भाई ये उलटफुलट हो गई है, और लेकिन अभी भी इसने पूरा ट्रैक वापस से संभाल लिया है। भाई सुबह का बोला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे कहते हैं कि तू लेट आया है, खाना नहीं मिलेगा, बस इतना ही। तो भाई जंप तो इसका भी बहुत अच्छा गया है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बट बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं गिरेगी, नहीं बहुत ज़्यादा पीछे तो गिरी है खैर, क्योंकि हमारी जो सबसे पीछे वाली गाड़ी थी उससे भी काफ़ी पीछे गिरी है। ये है हमारी गाड़ी नंबर चार। भाई कलर इसके भी बहुत बढ़िया चेंज हो रहे हैं, और देखने में लग रही है नॉर्मल सेडान कार जैसी, लेकिन ये भाई सुपर कार है और किसी भी नॉर्मल सुपर कार से कम नहीं है। पर बहुत स्पीड के साथ ये भी जा रही है अपनी लाइक जंप के लिए, और लेट्स गो। भाई यहाँ से इसका जंप हो गया है ख़त्म। और भाई इसकी जो स्पीड अगर आप देख रहे हो ना तो 130-140 के आसपास इसकी स्पीड है, 180 तक हो रही है जब नीचे जा रही है तो। और भाई भाई क्या क्या जंप था भाई, लेकिन इस गाड़ी को कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, नहीं आग लगी हुई है पूरी। गाड़ी नंबर पाँच ये है भाई, बिल्कुल आर्मर्ड कार, पहले लग रही थी अब नहीं लग रही, पहले जब मिलिट्री कलर में थी तब लग रही थी कि बिल्कुल आर्मी वालों की कार है, अब तो नॉर्मल लग रही है यार। और ऑलमोस्ट हमारा जंप स्टार्ट होने वाला है, लेट्स गो। भाई जंप के साथ साथ यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई है, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट अपनी हर गाड़ी पे आग लगा रहा हूँ, तो शायद भगवान ने सोचा होगा इसकी सारी जो आग लग रही गाड़ी में वो मैं बुझा दूँ बारिश से। और भाई ये गाड़ी बिल्कुल मुंह के बल गिरी है, और इस गाड़ी को कुछ नहीं हुआ यार, आर्मर्ड कार इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसका आर्मर बहुत स्ट्रॉन्ग है। भाई ये कार बहुत लंबी है यार, इसको तो मेरे ख्याल से उतरने में भी दिक्कत होगी और चढ़ने में भी दिक्कत होगी और कूदने में तो दिक्कत होगी होगी, नहीं उतरने में दिक्कत नहीं हुई, स्पीड अच्छी है, 300 पार होने वाली है। भाई 300 पार हो चुकी है और 312 पे इसने जंप किया है। भाई 312 की स्पीड पे जंप करने के बाद ये जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट ने लक्ष्य की तरफ, और भाई लक्ष्य इसका पूरा होते होते बचा है क्योंकि टप्पा खाकर आगे चली गई है। अब गाड़ी नंबर 7 की बारी आती है, इस बार मैंने लिया ओपन कार, भाई ऊपर से ओपन है ये, और भाई ओपन कार थोड़ी सी ना ज़्यादा स्पोर्टी लुक देती है और ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा तेज़ जाएगी है। सो लेट्स सी कहाँ जाती है ये। ओ भाई जंप तो इनसेन था बिल्कुल इसका, और भाई ओपन में ऐसे लग रही है जैसे बिल्कुल खाली डब्बा उड़ाया हमने, अब बिल्कुल रॉकेट की तरह सीधी जा रही है। और भाई उल्टी गिरने के बाद भाई इसकी तो भाई, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, गाड़ी फटने के बाद भी इसका जो टूटा हुआ हिस्सा दूर जाकर गिरा ना उसका भी कलर चेंज हो रहा था,
तो सिर्फ गाड़ी का कलर चेंज नहीं होता, उसके पूरे पार्ट का कलर चेंज होता है और वो उसी सीक्वेंस में होता है जैसे गाड़ी का हो रहा है। ये गाड़ी नंबर 8 हमारी भाई, बहुत स्पीड के साथ छोटी सी कार है, बहुत ही सही लग रही है कलर चेंज करते हुए, तो भाई अमेजिंग लग रही है बिल्कुल। और भाई तगड़ा जंप, बिल्कुल सीधा रॉकेट की तरह, 150 की स्पीड अभी भी, 160, 170, 180, 90 हो गई एकदम से नीचे गिरते टाइम। और भाई ये गिरी है गाड़ी और पीछे की तरफ लग गई है आग, जहाँ पर होता है मेन इंजन। गाड़ी नंबर 9 की बात कर लेते हैं, ये भी ऑडी की कार है भाई, लेकिन पूरी पैक्ड है। और भाई ये जंप बहुत फास्ट है गाड़ी यार, ये गाड़ी बहुत फास्ट है, बहुत सही भाई। 310 तो इसका ये भी है, 318, 320, 324, 326, 328 की स्पीड पे इसने लास्ट जंप लिया है। मुझे लगता है भाई ये गाड़ी होने वाली है हमारी सबसे ज़्यादा दूर जाने वाली गाड़ी, क्योंकि बाकी किसी भी गाड़ी ने इतना तगड़ा जंप नहीं लिया था यार। और नहीं यार, ये गाड़ी आ जाती है हमारे नंबर 2 पे या 3 पे, 2 और 3 के लिए हमारे पास आए हैं। 1 पे तो भाई अभी भी सेकंड नंबर की कार ही है भाई। ये है हमारी कार नंबर 10। और भाई बारिश आ चुकी है, पूरे रैंप पे पानी पड़ा हुआ है भाई, पानी के अंदर से भी ये गाड़ी बहुत ही स्पीड में जा रही है, 280 की स्पीड हो गई है, 290 है, 300 होने वाली है, 300 पार पे भाई ये इस गाड़ी ने जंप लिया है। और भाई बहुत ही सही लग रही है ये गाड़ी भाई, ये जंप के जो अलग अलग व्यूज़ हैं ना, ये बहुत ही जानदार लगते हैं जब एक्चुअल में आप जंप कराते हो। और भाई ये चकरी खाते हुए काफ़ी आगे तक तो गई, लेकिन इसकी कोई रैंकिंग नहीं बन पाई। और भाई ये कैसा था भाई, बहुत स्पीड वाला तो था, उसके साथ मैंने सुपर जंप भी कर दिया तो बहुत अलग ही कुछ व्यू बन गया था। ये हमारी थर्ड लास्ट कार भाई, देखने में बहुत सही लग रही है, लेकिन पता नहीं कैसी निकलेगी। रैप के ऊपर पूरे पे पानी गिरा हुआ है और स्पीड बूस्टर जो हमारे वो बहुत ही अच्छी तरीके से अभी भी काम कर रहे हैं। तो गाइस अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत आगे तक मेरा साथ दिया है वीडियो देखने में। थोड़ा और साथ देना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा इस वीडियो का पार्ट सबसे अच्छा लगा आपको, रैंप के बारे में कुछ सीखना चाहते हो तो वो भी कमेंट कर देना। और भाई सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि एक एक सब्सक्रिप्शन बहुत मोटिवेट करता है भाई। अब हमारे पास 2 गाड़ियाँ बच गई और मुझे इंतज़ार है भाई सुपर कार का, बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से, क्योंकि भाई सुपर कार जब निकलेगी ना तो उसकी स्पीड अलग ही होगी बाकी स्पोर्ट्स कार से। सुपर कार का वेट कर रहा हूँ, नेक्स्ट कार सुपर कार होने वाली, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना एंड भाई मज़ा बहुत आने वाला है उसमें भाई। ये ऑलमोस्ट जंप करने वाली है, 290, 293 की स्पीड पे जंप किया तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रह सकते हो आप, क्योंकि जो गाड़ी 326 की स्पीड पे कूदी थी वही नहीं जा पाई नंबर 1 पे, तो फिर 218 में तो क्या ही जाएगी भाई। ये फिसलती फिसलती काफ़ी आगे तक तो आ गई है, गाड़ी की हालत ख़राब, वापस चलो भाई। ये है हमारी सबसे बेस्ट कार, बिल्कुल कोने पे खड़ी हुई है, और भाई कोने से जाके मैं देखता हूँ एक बार कैसी लग रही है पीछे से। भाई अब चलते हैं बैक, यहाँ से वरना नहीं हो पाएगा। ओए यार, बैक आने की जगह पे मैंने एक पंच वाला दबा दिया था, और पंच में हमेशा वो थोड़ा सा आगे चला जाता है। नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए था, कोई नहीं, टाइम थोड़ा सा वेस्ट हुआ, बट ठीक है। सुपर कार के साथ हमने कर दिया है रैम्प स्टार्ट, और भाई ये कार है ना नीचे टच भी हो सकती है क्योंकि बहुत ऊंची कार है, इसे लेना पड़ेगा बहुत सेफ्टी के साथ, बहुत सेफ्टी से उतर गई है भाई। अब जो रैंप है ना वो बहुत तगड़े तरीके से फायर कर रही है, 290, 310, 300 भाई, 318 की स्पीड पे इसने जंप लिया है भाई। इतनी कम उम्मीद तो मुझे इससे नहीं थी, एटलीस्ट 400 तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सुपर कार से, जो 326 तो हमारी पहले नॉर्मल स्पोर्ट्स कार भी कर चुकी है। और भाई ये गाड़ी गिरी है बिल्कुल स्ट्रेट, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है, इसलिए सुपर कार है, मतलब अमेजिंग यार, बहुत ही बढ़िया सेटअप था ये। अगर आप ही जानना चाहते हो कि सेटअप मैंने कैसे बनाया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं एक नया वीडियो बना दूंगा पूरा दिखाने के लिए आपको मैंने कैसे कैसे सेटअप किया। और भाई अब मैं आपको पूरा सेटअप दिखाता हूँ कि भाई कैसा रहा है ये पूरी रेस होने के बाद। अगर आप ऊपर से देखो ना भाई, इतनी सारी गाड़ियाँ हमने यूज़ की थी जो कि यहाँ पर अलग अलग कलर में यहाँ पर पड़ी हुई हैं, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे गाड़ियाँ भी देख सकते हो भाई। ये था हमारा रैंप जो ऊपर की तरफ है भाई, यहाँ पर कुछ साइकिल चला रहे हैं लोग, इन साइकिल वालों को हम लोग कब्जा लेंगे आई थिंक। मुझे लगता है मुझे नेक्स्ट जो है ना रेस वो साइकिल पे करनी चाहिए। क्या साइकिल पे ये रैंप हम कंप्लीट कर पाएंगे बूस्टर की सहायता से? अगर हाँ तो कैसे, और नहीं तो भाई कर तो पाएंगे नहीं, फिर अगर हमने सोच लिया नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो भाई ये है वो पूरा पूरा रैंप, अगर साइड से देखो तो आपको दिखेगा भी नहीं, इतना पतला रैंप लग रहा है, क्योंकि हमने एक सिंगल रोड की परत ली हुई है, कोई पिलर विलर कुछ नहीं है उस पर। भाई ये है वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और ये है वो जंप का पॉइंट भाई जहाँ से जंप हुआ है, अमेजिंग यार। तो भाई अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने घर वालों का रखो ध्यान, और आप सबको राम राम।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। अगर पहले से फॉलो कर रहे हो तो भाई आप लोगों से अच्छा तो मेरे लिए कोई है ही नहीं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। बाय बाय।